हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे ये एक 3 वाट का हैवेल्स का एलईडी बल्ब है जिसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो दूसरे एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हैवेल्स का अगर एलईडी बल्ब है तो उसका ड्राइवर सर्किट थोड़ा मुश्किल में निकलता है। इसका डिफ्यूजर तो हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ड्राइवर सर्किट है उसको ओपन करने में परेशानी होती है, निकालने में परेशानी होती है। चलिए पहले इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं कि ये डेड कंडीशन में है। यहां पे सीरीज लाइन है, सीरीज लाइन में हम इसको इस तरीके से लगाते हैं तो ये एलईडी बल्ब ना बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। इसी जगह पे अगर हम दूसरा एलईडी बल्ब लगा रहे हैं तो ये हमारा काम कर रहा है, लेकिन ये एलईडी बल्ब हमारा डेड कंडीशन में है। तो इसको खोलने का प्रोसेस और इसको कैसे चेक करेंगे ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसका डिफ्यूजर आपको हटा लेना है, जो कि आसानी से हट जाता है। इसके बाद आप इसको सीरीज की लाइन में ही लगा के और इसका आउटपुट वोल्टेज जो ड्राइवर सर्किट से आ रहा है हमारे एमपीसीबी के पॉइंट्स पे, इनको आपको चेक करना है। तो इसके लिए 200 वोल्ट वाले सेक्शन में, डीसी सेक्शन में आपको मल्टीमीटर लगा लेना है और इसके बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स जो है आउटपुट के पॉइंट्स पे आपको रखनी है। तो यहां पे मैं आउटपुट के पॉइंट्स पे मल्टीमीटर की प्रोब रख रहा हूं, लेकिन यहां पे कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी हमारे एमपीसीबी पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो एमपीसीबी में जब वोल्टेज नहीं आ रहा होता है तब हमको ड्राइवर सर्किट निकालना पड़ता है। तो ड्राइवर सर्किट इस एलईडी बल्ब में कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां से ड्राइवर सर्किट, ये जो हीट सिंक लगा हुआ है, ये नहीं निकलती है, और अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो बॉडी है इसकी टूट जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो पंचिंग है इसकी B22 कैप की, इसको आपको यहां से रिलीज करना होता है। उससे पहले आप यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स है इसको डिसोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसको डिसोल्ड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा ड्राइवर निकलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सोल्डिंग आयरन से इसको इस तरीके से डिसोल्ड कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये कैसे हमारा निकलता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको डिसोल्ड करना है पहले प्रॉपरली। जब ये डिसोल्ड हो जाए इसके बाद इसके जो वायर्स हैं इनको आपको फ्री कर लेना है। इस तरीके से आप फ्री कर लेंगे। जब ये फ्री हो जाए फिर इसके बाद आपको क्या करना है, B22 कैप की जो ये पंचिंग है इसको आपको धीरे धीरे से इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लगा के और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। इस तरीके से ऐसे आप धीरे धीरे से इसको दो तीन जगह से, चार जगह से इस तरीके से निकाल देंगे। जब ये इतना निकल जाए इसके बाद आपको ये श्योर कर लेना है कि आपके वायर्स जो हैं वो फ्री हैं कि नहीं है। तो इस तरफ का तो फ्री है, इस तरफ का फ्री नहीं है, तो इसमें हम थोड़ी देर सोल्डिंग आयरन रखेंगे तो ये आसानी से इस तरीके से बाहर हो जाएगा। जब ये निकल जाएगा हमारा B22 कैप, फिर हम इसका ड्राइवर सर्किट जो है उसको निकालना होता है। तो ड्राइवर सर्किट निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इन पॉइंट्स को हम डिसोल्ड करेंगे और यहां से हम ड्राइवर सर्किट बाहर निकाल देंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट के पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे हमें इनको फ्री करना होता है इस तरीके से। ये जैसा कि मैंने फ्री कर लिया है, इसके बाद आप ड्राइवर सर्किट जो है इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका जो एलईडी ड्राइवर सर्किट है वो पीएफ ड्रॉपर ड्राइवर सर्किट है। इस तरीके से हमने इसको बाहर निकाल लिया है और इसमें हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारा एमओवी जो है ये फ्यूज्ड हो गया है और इसके अलावा हमारी जो फ्यूज रेजिस्टेंस है ये भी शायद ओपन हो गई क्योंकि दिख रहा है हमको। तो चलिए इसको फ्यूज रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। एमओवी तो हमारा खराब है तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेना होगा, जहां पे हमारा मल्टीमीटर बीप देता है इस तरीके से। फिर हम इसका जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको चेक करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये ओपन है, यानी ये खराब है, बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा खराब है। अब हम इस फ्यूज रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे और इसकी जगह पे दूसरी फ्यूज रेजिस्टेंस लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो ड्राइवर सर्किट में जाने लगेगी, लेकिन चूंकि एमओवी भी हमारा खराब है तो एमओवी भी हमको निकालना होगा। तो एमओवी भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। एमओवी भी इसका हम निकाल लेते हैं। ये हमारा इसका जो एमओवी है आप देख पा रहे होंगे ये फट चुका है। तो यहां पे इसकी वैल्यू जो एमओवी की दी हुई है वो 511KD07 दिया हुआ है। तो इसी वैल्यू का हम इसमें एमओवी और एक फ्यूज रजिस्टर लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे ये जो एमओवी है ये 511K07D का ही है। तो चलिए इसको हम एमओवी की जगह पे लगा लेते हैं और इसके बाद हम फ्यूज रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। तो एमओवी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में एमओवी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से एमओवी को राइट पोजीशन में रखने के बाद आप इस साइड पे
सोल्डर जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो इसकी लेग जो है बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से हम इस साइड भी कर लेते हैं। ये हमारा एमओवी जो है इसकी दोनों लेग्स यहां पे आ गई हैं। अब हम इसको सोल्ड कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्ड कर देते हैं। ये हमने एमओवी जो है इसमें लगा दिया है, सेम वैल्यू का एमओवी लगा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगानी, क्योंकि फ्यूज रेजिस्टेंस भी हमारी ओपन हो गई है, तो फ्यूज रेजिस्टेंस भी हम इसमें लगा देते हैं। तो यहां पे मैंने एक फ्यूज रेजिस्टेंस ली है, पुराने ड्राइवर सर्किट से निकाल ली है, और इस ड्राइवर सर्किट की रेजिस्टेंस जो है ये फ्यूज रेजिस्टेंस ये हम लगा देंगे। तो यहां पे इस तरीके से हमें फ्यूज रेजिस्टेंस जो है इसको लगाना होगा। तो चलिए फ्यूज रेजिस्टेंस भी हम लगा लेते हैं। ये हमने फ्यूज रेजिस्टेंस जो है इसको लगा लिया है। अब हम इसको अपने एलईडी बल्ब में दोबारा से उसी तरीके से अंदर एडजस्ट करेंगे। तो चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको धीरे से कोशिश करते हैं कि ये हमारा दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाए। इसके जो वायर्स हैं ये थोड़े अंदर को हो रहे हैं, तो इसको हम प्रॉपरली करके और फिर इसको देखना पड़ेगा हमको कि इसके वायर्स जो हैं बाहर आ जाएं। तो ये वायर्स जो हैं इसके बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान देना है, किस साइड पे पॉजिटिव है किस साइड पे निगेटिव। तो इस साइड पे हमारा इसका पॉजिटिव है और इस साइड पे हमारा इसका निगेटिव है। तो चलिए इसको भी हम सही पोजिशन में कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ड्राइवर सर्किट घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको जो है सही डायरेक्शन में आने के बाद हम इसको सोल्डिंग इसकी जो है कर देंगे। तो चलिए इसकी सोल्डिंग कर देते हैं प्रॉपरली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे मैंने इसकी जो सोल्डिंग है प्रॉपरली कर दी है। अब हम इसको सीरीज लाइन से चेक कर लेंगे कि ये हमारा ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए इसको सीरीज लाइन से चेक कर लेते हैं। तो यहां पे ये मेरी सीरीज लाइन है, हम इसको सीरीज से चेक कर लेते हैं। तो ये सीरीज लाइन से हमने इसको चेक किया तो एलईडी बल्ब हमारा ग्लो करने लगा, वर्क करने लगा। तो चलिए अब इसको दोबारा से फिट कर देते हैं जिस तरीके से ये फिट था। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें B22 कैप जो है इसके होल्स चेक करने हैं कि ये प्रॉपरली सही तरीके से आर पार हमारे वायर जाने के लिए है कि नहीं है। और यहां पे हमें वायर भी देखना है कि हमारा वायर जो है ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने देख लिया इसके जो होल्स हैं ये प्रॉपरली हैं, अब हम इसको इसके अंदर से इस साइड पे निकाल के और फिर सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे इसके जो दोनों वायर्स हैं ये निकल आए हैं इस साइड पे, तो इनको हम थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देंगे और इसके बाद हम इस पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं इस पे। तो यहां पे जो पुराना सोल्डर है वही सोल्डर हम यूज करेंगे इस तरीके से। ये हम एक साइड का कनेक्टर जो है इसका सोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड का जो कनेक्टर है उसको भी हम सोल्ड कर देंगे। तो इस वाले को भी हम प्रॉपरली सोल्ड कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम सही तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने बिल्कुल सही तरीके से इसके जो कनेक्टर्स हैं उनको सोल्ड कर दिया है। अब हम इसको डिफ्यूजर लगा के और चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हैवेल्स का एलईडी बल्ब जो है उसको रिपेयर करना है। और मैं समझता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि हैवेल्स का एलईडी बल्ब किस तरीके से रिपेयर होगा। और ध्यान देने वाली बात है यहां पे जो हमारा B22 कैप है इसको दोबारा से आपको पंच करना होगा। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद जहां पे इसके पंच के पॉइंट है इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको दबा देना है। और चूंकि ये उतना अच्छा तो पंच हो नहीं पाएगा, और हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा फेविक्विक या एरालाइट लगा सकते हैं जिससे कि ये प्रॉपरली फिट हो जाए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एलईडी बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से आप हैवेल्स का एलईडी बल्ब रिपेयर कर लेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।